फोन नहीं कर जाओ यार, साफ जाओ बड़ी सी महाराज। तो इसको हमने अपना कैमरा दे दिया है GoPro 12, देख सकते हो नई एज में क्रेज है स्टैंड का। तो मैं बता रहा हूँ आपको, हेलमेट पहन के चले। ये हेलमेट भी लगा के आया, शायद नहीं लाया है मेरे पे, हेलमेट पर लेके नहीं आया। जाओ हनुमान जी महाराज। तो दोस्तों टाइम हो गया है शाम के करीब 6 बज चुके हैं, और अभी ऋषभ का फोन आया था। मैं चाय पी रहा था चाय, तो बोल रहा था भैया कल तो बारिश हो गई थी, आज सुबह से भी बरसात हो रही है, 5 बजे से अब बंद हुई है शाम को। तो अभी मैं निकल रहा हूँ शास्त्री पार्क साइड में, वो कह रहा भैया 2-4 क्लिप शूट करनी है, तो उसकी भी क्लिप शूट हो जाएंगी और हम भी थोड़ा घूम लेंगे। तो बाइक चलाने का थोड़ा है, शाम को मौसम देख सकते हो, ऐसे मौसम में बारिश के मौसम में बड़ा अच्छा सीन रहता है। निकलते हैं थोड़ी देर में, मिलते हैं सीधे मोटो ब्लॉक पे। हट जाओ। तो ये हमारी कॉलोनी का कुछ ऐसा रास्ता है, बरसात आती है तो पानी भर जाता है और फिर ट्रैक्टरों से निकालने लग रहे हैं। अरे आगे तो पानी भरा हुआ है, ये देखिए थोड़ा कम हो गया, बारिश आज सुबह से चल रही थी और पानी भी निकाल चल ही रहा है सुबह से। ऊपर कर लेता हूँ इनको, फोन नहीं कर जाए यार। निकलाए, कुंडा भी लबालब हो गया हमारा, थोड़ा और रह गया पानी। जाओ भोलेनाथ है हर मारे पे, पुलिस वाले खड़े हैं। बैरिकेड लगा रखे राजस्थान पुलिस, सेटलमेंट था ना, क्या है यहाँ पे। गणेश जी के दर्शन करते हैं, अभी ऋषभ का फोन आया कि भैया कहाँ हो, मन के पास निकल आया। जाओ हनुमान जी महाराज, जाओ गणेश जी महाराज। अरे यहाँ भी पानी चल रहा है भाई साहब, जगह जगह बाढ़ बना रहे हैं, तो निकालने की व्यवस्था नहीं है कुछ। और देखो शास्त्री पार्क में भी पानी भरने वाला है थोड़े दिन बाद, धन्यवाद पुनः पधारने पर। चलो उधर चलो, गाड़ी को निकले दो। तो ये रील बनाने के लिए आया है, बहुत दूर से आया है और 3-4 दिन से बोल रहा है भैया रील बनानी है। आज बहुत हरियाली हो रही है चारों तरफ। उधर मेडिकल कॉलेज की साइड में अच्छी बनेगी, मेडिकल कॉलेज की साइड में जो शिवजी का मंदिर है ना, मैं शिवजी के मंदिर दर्शन कर लूँगा तो रील बना लेना है ना, ठीक है ना। आ जाओ मैं दौड़ाऊँगा, मैं फोन को रख। जाओ बोले ना था, मैं दौड़ा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए दौड़ाए। मजा आ रहा है, बहुत दिन बाद गाड़ी खींची है। अरे शीशा भी थाला, शीशा मेरा ऐसा हो रहा है पूछो मत, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, और ये भी लगाना पड़ेगा, ये लगता नहीं है। और सामने बारिश का मौसम सा होने वाला है थोड़ी देर में, मैं भोलेनाथ के दर्शन करके फिर लौट लूँगा। वो आ रहा है पीछे, तो छोटी सी राइड आज की हमारी पॉलिटेक्निक कॉलेज तक। मेडिकल कॉलेज तक
मेडिकल कॉलेज वाला वो रास्ता है ना, सही है। अरे ये कहाँ रॉन्ग साइड पर ले गया है, ठेका अंग्रेजी शराब का। इधर चले हनुमान जी मंदिर, आगे चले आगे, इधर हाँ इधर चलो, मेडिकल कॉलेज साइड में बन जाएगी तुम्हारी दिल। तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो ये इलाका सही है बाइक घुमाने का, इस वजह से मैंने कि चलो इस पे उसको दे दूंगा अपना कैमरा और थोड़ी देर हम ब्लॉगिंग कर लेंगे। अब तक ये सड़क अच्छी है दोस्तों। आ चुके हैं मेडिकल कॉलेज और ये है ऋषभ शर्मा, ये बहुत दिन से मेरे से कह रहा था भैया एक राइड राइड राइड। तो हम आ चुके हैं दोनों जने मेडिकल कॉलेज पे और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये थोड़ा देर रील बनाएगा और मैं दर्शन करने के लिए सोच रहा था लटवी बाबा हनुमान जी के, तो अभी करते हैं दर्शन करते हैं और जब तक ये चलो तो राइड पे आते हैं एक राइड है ना, ठीक है। तो इसको हमने अपना कैमरा दे दिया है GoPro 12, अब ये एक थोड़ा सा ब्लॉग बनाएगा, ऊपर से चालू कर देना इसको। ओके है ना, चालू करके और निकल लेना, फिर आगे जाके रोक लेना, मैं भी आ रहा हूँ। अभी शाम का वक्त है और बादल लगे हैं थोड़े हल्के हल्के से और मैं ऋषभ के कहने पर यहाँ पे आ गया था मेडिकल कॉलेज। वैसे मैं कहीं जाता नहीं हूँ, इसने 3-4 बार फ़ोन कर दिया था तो भैया चलो राइड पे, तो मैं आ गया। अब ये इसकी स्कूटी खड़ी है, 2-4 रील बना ली हैं और आजकल क्रेज ये है कि आजकल नई नई बाइकों को स्टंट करने का क्रेज बन रहा हुआ है और जो भी नई बाइक आती है ना बच्चे उस पर दीवाने हो जाते हैं। और हमारी ब्लैक एवेंजर तो बढ़िया है, हम इसको बेचेंगे नहीं और अच्छी चलती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं रील बनाने के लिए, क्योंकि पूरा खुला हुआ वातावरण मिल जाता है यहाँ पे और सड़क भी लंबी चौड़ी मिल जाती है, स्टंट करते हैं लोग से लोग, हम नहीं करते। पिछली बार किए थे ना स्टंट, नहीं किए थे सामने, किए थे मैंने स्टंट नहीं किया था, नहीं हमने किए थे। अच्छा हम लोग आए थे जब स्टंट किए थे, हमने NS 160 थी, KTM थी। अब देख सकते हो ये इसकी एज कितनी थी, मेरी 18 साल की एज में स्टंट कर रहे हैं। और जो आजकल जो कौन सा चैनल ज़्यादा पसंद है? मुझे तो फिलहाल तुम्हारी चल रहा है। नहीं वैसे भी और भी नहीं, आपको ये वाला स्टंट वाले देखते होंगे वीडियो। हाँ प्रोवाइडर 1000। अच्छा अपने प्रोवाइडर भैया और एक वो चल रहा है अपना राजा DC। अच्छा तो स्टंट करते होंगे ये? नहीं स्टंट नहीं करते। अच्छा तो ये देख सकते हो नई एज में क्रेज है स्टंट का। तो मैं बता रहा हूँ आपको हेलमेट पहन के चले, ये हेलमेट भी लगा के आया शायद, नहीं लाया है मेरे पे हेलमेट, पर लेके नहीं आया अभी। तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ बच्चों को जो नए नए वीडियो बनाने चाह रहे हैं, तो पहले अपने कैरियर पे ध्यान दें क्योंकि हमारी तो भाई पेमेंट आती है हर महीने। और बाइक अपने हिसाब से लें, प्लेटिना भी लद्दाख पहुँच जाती है, आपकी स्कूटी भी पहुँच जाती है, हाँ एक्टिवा भी पहुँच जाती है, आप कहीं भी ले जा सकते हो, पर पहले आपको जॉब होनी चाहिए सबसे पहले होनी चाहिए जॉब, और एक पहले हेलमेट और अपना गाड़ी के पूरे कागज़ होने चाहिए, तो कम्प्लीट होने चाहिए जब भी आप राइड पर निकलो। और ये जरूरी नहीं आप ग्लव्स हो या फिर आप एक सेफ्टी शूज हो, कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा राइड तो मेरे हिसाब से जो दूधिया होते हैं ना वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पूरे दिन चलाते हैं, पूरी रात भर चलाते हैं, दिन भर चलाते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं कि आप अच्छे ड्राइवर हों और सेफ्टी का ध्यान रखें। अभी निकलते हैं यहाँ से। मेरे चैनल तेरा कौन सा चैनल है? इसका नया चैनल बनाया, कौन सा चैनल बनाया? ऋषभ 001। तो इसको भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अभी निकलते हैं, नाइट में GoPro सही नहीं चलता है और मेरा ये जो बाइजर है ना वो गंदा हो रहा है, तो इस वजह से लगाने में दिक्कत हो रही है। और घर भी बन चुके हैं, एक एक सिंगल सिंगल घर बन चुके हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर। अब मैं इसके साथ लास्ट बार आया हूँ, अब मैं आऊँगा नहीं, मैं कहीं ना कहीं जाऊँगा बाहर, हनुमान जी दर्शन करके फिर निकल लेंगे। दोस्तों आ चुके हैं लटूरी वाले हनुमान जी और यहाँ पे दर्शन करके फिर निकलते हैं हम। यहाँ पे बड़े बहुत तगड़े संत रहते थे, उनके नाम से लटूरी वाले हनुमान जी का मंदिर है, मंगल शनिवार को यहाँ भीड़ लगी रहती है।
दोस्तों ये यहाँ के जो बाबा हैं वो हैं, और ये है हनुमान जी का मंदिर लटवीवार हनुमान जी का। जाओ हनुमान जी महाराज। और यहाँ शनिवार रविवार शनिवार को मंगलवार को बहुत तगड़ी भीड़ रहती है। जय हो शनिदेव महाराज, जय हो हनुमान जी महाराज। तो हमारा मित्र मिल गया था बबलू, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में है। तो उससे बोला था मैंने, भतीजे को पॉलिटेक्निक करा रहे हैं। थोड़ी देर वार्तालाप हुई, अभी निकल रहे दर्शन करके हनुमान जी के। तो आपने भी किए होंगे, आई होप आपने किए। घर जाके वार्तालाप करते हैं, बच्चों को भी लेके आना है। 7 बज गए, 7:15, 7:30 बज गए, बच्चे आ गए होंगे। आज मौसम पूरे दिन बरसात हुई है, नाले देखो। अच्छा दोस्तों आ चुके हैं घर, और मैं अभी वीडियो एडिट करने की सोच रहा था। तो उससे पहले मैंने जो ऋषभ आया था मेरे से मिलने, सब्सक्राइबर हमारा, तो उसको मैंने उसकी वीडियो बना के छोटी सी क्लिप उसको मैंने डॉक्यूमेंट्स कर दिए। तो अगर आप चाहते हो मिलना कभी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट। उसने बहुत सारे मेरे को मैसेज करे, कॉल करे, उसको नंबर मैंने दिया था। तो मतलब ये मेरी राइडिंग करनी है। राइडिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टंट करने लग जाओ। बिना हेलमेट के आ गया था, मेरे को बहुत बुरा लगा। तो अगर आप पे लाइसेंस नहीं है तो आप वाहन ना चलाएं। अगर आप पे हेलमेट नहीं है तो हेलमेट नहीं है तो भी वाहन ना चलाएं। तो कृपया करके जब मिलने आओ तो हेलमेट वगैरह और लाइसेंस वगैरह आपके सारे कागज़ कंप्लीट होने चाहिए। और ये रहता है कि आप स्टंट करने से राइडिंग नहीं कहते, कि आप नए नए किसी की रील देख के होल्ड कर रहे हो। जितने आप पे पैसे हैं उतने आप बाइक चला सकते हो। अगर आप स्कूटी है, स्कूटी से भी आप मंदिर वगैरह, आप जो अच्छी जगह हैं अपने भरतपुर में या फिर आसपास में, जैसे आप फतेहपुर की राइड कर सकते हो, छोटी मोटी राइड कर सकते हो सेफ्टी के साथ। तो दूसरे की होल्ड ना करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को लें सब्सक्राइब।